हेलो दोस्तों, माय नेम ईशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप 5। इस चैनल में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वर्ल्ड के सबसे 5 क्रेजी स्टॉक्स के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है डोगो अर्जेंटिनो। कितना प्यारा पपी है ना। रुको, ये देखो, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। बट इसकी इसी खूबियों की वजह से ये बहुत से देशों में बैन है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी फैमिली ट्री से बिलोंग करता है। 1920 की बात है, एंटोनियो नॉर्स मार्टिनेस एक वर्सेटाइल केनाइन डॉग बनाना चाहते थे, जिसे बनाने के लिए उन्होंने एक फाइटिंग डॉग कार्टोबा को लिया और उसे मिलाया पॉइंटर, द बॉक्सर, द ग्रेट डेन, द बुल टेरियर, द बुल डॉग, द आयरिश वुल्फहाउंड, द डॉग टिबर्डो, द ग्रेट फेरेट, द स्पेनिश मैस्टिफ। क्या नंबर ट्री। 25 साल लग गए ऐसा डॉग बनाने में। और इसी वजह से डोगो के सामने के दांत नॉर्मल डॉग्स के दांत की तरह राउंड नहीं होते, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जिससे कि उसे काटने के लिए बड़ा सरफेस एरिया और बहुत ही अच्छी पकड़ मिलती है। ये डॉग सिर्फ व्हाइट कलर में पाया जाता है और इसकी हाइट होती है 7 से 68 सेंटी और इसका वजन होता है 40 से 45 केजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना। और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। ओके, बहुत हो गई प्रमोशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सीरीज में हमारे पास है चौथे नंबर पर डोबरमैन। डोबरमैन का ओरिजिन जर्मनी से है। इन्हें सन 1880 की शुरुआत में ब्रेड किया गया था। डोबरमैन ने खुद डोबरमैन को ब्रेड किया था। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। डोबरमैन को ब्रेड करने वाले शख्स का नाम था कार्ल फ्रेडरिक लुइस डोबरमैन। तो इस डॉग का नाम इसके फाउंडर के नाम पर रखा गया, डोबरमैन। तो पहला सवाल यह आता है कि आखिर इन्हें ब्रेड क्यों किया गया था। अब इस सवाल का जवाब है कि जो डोबरमैन के फाउंडर थे कार्ल फ्रेडरिक लुइस, वो एक टैक्स कलेक्टर थे, तो इसलिए उन्हें बहुत सा पैसा यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता था, लेकिन वो सेफ फील नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा डॉग ब्रीड करने का फैसला किया जो उन्हें हर दुश्मन से प्रोटेक्ट करे। मुझे पता है आप लोगों को ये सब बात सुन के दिमाग में यही ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इसे ब्रेड कैसे किया गया था। इस मास्टरपीस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था द जर्मन पिंचर, रॉटवाइलर, थ्रिजियन शेपर्डॉग, ब्लैक ग्रेहाउंड, ग्रेट डेन, वाइमरा, जर्मन शॉर्टहेड पॉइंट, जर्मन शेपर्ड। इन सभी को मिलाने के बाद हमें पता चलता है बहुत ही तेज, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही समझदार और अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार डॉग द डोबरमैन। डोबरमैन दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा वॉच डॉग है। वैसे तो ब्लैक टेन ही इनका टिपिकल कलर है, लेकिन ये और भी दो कलरों में पाए जाते हैं, ब्लू एंड टेन और फॉन एंड टेन। इन डॉग्स के कानों और पूंछों को डॉग किया जाता है, यानी काटा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इन डॉग्स के सबसे वीक पॉइंट्स है। और इन डॉग्स को वर्ल्ड वॉर टू में भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके पास से ये बहुत फेमस हो गए थे। इन डॉग्स की बात की जाए तो इनकी हाइट होती है 26 से 28 इंचेस और इनका वजन होता है 40 से 45 केजी। इस सीरीज में हमारे पास है तीसरे नंबर पर रॉटवाइलर। रॉटवाइलर का इस्तेमाल रोमन्स लोग करते थे। रोमन्स इनका इस्तेमाल सामान खींचना, बकरियाँ चढ़ाना, गाय भैंसों की हिफाजत करना और ख़ुद के प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते थे। असल में रॉटवाइलर एक वर्किंग टाइप डॉग ब्रीड है। सो रॉटवाइलर सुन के आपको कुछ याद आया? नहीं ना। रुको, ये देखो, इस मास्टरपीस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था द जर्मन पिंचर, रॉटवाइलर। सो बेसिकली हम रॉटवाइलर वो डोबरमैन का भाई भी कह सकते हैं। आई एम जस्ट जोकिंग। रॉटवाइलर 119 ब्रीड में से 8वां सबसे पॉपुलर ब्रीड है। मतलब रॉटवाइलर इतने पॉपुलर है कि कुछ बच्चों की बुक में भी इन डॉग्स का इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम था गुड डॉग कार। और रॉटवाइलर बहुत ही स्मार्ट डॉग ब्रीड होती है, इन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही पावरफुल डॉग होते हैं। मतलब अगर इनके मालिक ने इन्हें कोई काम दे दिया है तो ये उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं।
इस डॉग की सबसे बड़ी खूबी और वो है इसकी बाइटिंग फोर्स, जो कि पिटबुल और जर्मन शेफर्ड से भी ज़्यादा ताकतवर है। इस डॉग की बाइटिंग फोर्स है 228 पाउंड पर इंच, जो कि किसी भी डॉग से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जितना ही बड़ा सर उतनी ही पावर से वो काटेगा, और रॉटवेलर के पास तो बहुत ही बड़ा हेड है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम रॉटवेलर को सामने खड़ा करके देखोगे तो इसके बदन के मुकाबले इसका सर बहुत ही बड़ा दिखता है, जिसकी वजह से इसकी बाइटिंग फोर्स भी बहुत ही अच्छी होती है। बट अब इन डॉग्स का इस्तेमाल फार्मर लोग नहीं करते जैसा कि पहले करते थे, इसलिए अब इस डॉग का इस्तेमाल पुलिस और रेस्क्यू मिशंस और कुछ डॉग के बहुत ही अच्छे शौकीन लोग इस डॉग को पालना पसंद करते हैं। ये डॉग ब्लैक और ब्राउन कलर में ही होते हैं। जिस तरह से इस डॉग्स में एक फाइटिंग की खूबियां हैं, उसी तरह से इस डॉग में एक खामी भी है। इन डॉग्स की बोन्स बहुत ही कमज़ोर होती है। इट मीन्स कि आपको अगर इन्हें पालना है तो आपको इन्हें विटामिन सी और इनकी जो भी दवाइयाँ है बोन्स को मजबूत करने के लिए, वो टाइम टू टाइम देनी पड़ती है। इन डॉग्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होते हैं और स्ट्रेंजर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इट मीन्स कि आपको अगर इन्हें पालना है तो फिर आपको बहुत ही सोशलाइज करना पड़ता है इन डॉग्स को। अगर आपने बचपन से ही इनको आदत नहीं डलाई तो फिर आगे चल के बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इन डॉग्स का वजन होता है 50 से 60 केजी। इस सीरीज में हमारे पास दूसरे नंबर पर है जापानीज डोसा। सो ये ब्रीड होती है फाइटिंग ब्रीड, मतलब ये फाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत ही रेयर ब्रीड है दोस्तों। जापानीज डोसा, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये जापान से है। दोस्तों मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आखिर इन्हें फाइटिंग डॉग क्यों कहा जाता है। इन्हें फाइटिंग डॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापानीज लोग इनका इस्तेमाल अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लड़ाने के लिए करते थे। और ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। जैसा कि आपको पता है कि ये एक फाइटिंग डॉग है, तो इनकी बॉडी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मस्कुलर होती है। पहले ये डॉग्स इतने लार्ज साइज नहीं होते थे। 19th सेंचुरी की शुरुआत में शिकोकू इनू को कुछ बहुत ही लार्ज साइज के यूरोपियन डॉग्स के साथ ब्रीड किया गया, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग, मैस्टिफ डॉग, सेंट बर्नार्ड, ग्रेट डेन, जर्मन पॉइंटर जैसे कुछ लार्ज साइज के डॉग्स के साथ ब्रीड किया गया। इस डॉग को ब्रीड करने का मकसद ही यही था कि एक पावरफुल और एक बहुत ही फाइटिंग किस्म के डॉग्स को ब्रीड करना, क्योंकि इन डॉग्स का इस्तेमाल फाइट करने के लिए किया जाता था, इसलिए इनकी बहुत ही बैड रेपुटेशन बनी हुई है और इन्हें लोग बहुत ही एग्रेसिव डॉग्स भी मानते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत से देशों में बैन है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, हांगकांग, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम जैसे बहुत से देशों में बैन है। ये डॉग्स चार कलर में पाए जाते हैं, ब्लैक, ब्रिंडल, फॉन और रेड कोट कलर में भी पाए जाते हैं। जापानीज डोसा का वजन 36 से 61 केजी होता है। अब बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के स्टार के बारे में। जी हाँ, हमारे पास नंबर वन पर है पिटबुल। आप लोगों को पता है जब भी मैं वर्ल्ड के सबसे खतरनाक डॉग्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही डॉग आता है, पिटबुल। पता नहीं आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में तो पिटबुल ही आता है। इतना डेंजरस डॉग, जस्ट सी। सोच रहे होंगे ये अमेरिकन डॉग ब्रीड है, बट पिटबुल को अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में डेवलप किया गया था 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में। ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग को टेरियर डॉग्स के साथ क्रॉस किया गया और फिर उसके बाद
इसे अमेरिका में लाया गया। पिटबुल की बाइट फोर्स उतनी ज़्यादा तो नहीं होती, सबसे ज़्यादा तो रॉटवाइलर की ही देखी गई है, लेकिन पिटबुल के अंदर एक खासियत है, अगर ये किसी चीज़ को पकड़ ले तो ये लॉक हो जाती है, इसका मतलब कि आप इसे छुड़ा ही नहीं सकते। पिटबुल के सर के ऊपर कोई कॉर्नर में एक खास किस्म की मांसपेशियाँ होती है जो इसे इस तरह लॉक करने में बहुत ही मदद करती है। पिटबुल डॉग्स तीन चीज़ों के लिए बने हैं। पहला है फाइटिंग, इसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डॉग होते हैं, और दूसरा है जंपिंग, और तीसरा है सामान खींचना, ये हैवी से हैवी चीज़ें खींच सकते हैं। 17वीं सेंचुरी में इन डॉग्स को इंटरटेनमेंट के लिए एक रिंग में भालू से और बैलों से लड़ाया जाता था, और 18वीं सदी में इन डॉग्स का इस्तेमाल खेतों में और जानवरों की हिफाजत के लिए होने लगा। पहले की रॉयल फैमिली इन डॉग्स को बहुत ही पसंद करती थी क्योंकि ये डॉग्स बच्चों की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, जिसकी वजह से इन डॉग्स को नैनी डॉग्स भी बोला जाने लगा। अट्ठाईसवीं सेंचुरी की शुरुआत में इन डॉग्स का इस्तेमाल मूवीज और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी होने लगा, जिसकी वजह से उस टाइम के बहुत से बड़े बड़े लोग पिटबुल को पालना पसंद करते थे, और आज बहुत से ऐसे पिटबुल डॉग्स हैं जिनका इस्तेमाल बॉम्ब स्क्वाड और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए किया जाता है। अट्ठाईसवीं सेंचुरी ख़त्म होते होते इन डॉग्स की पॉपुलैरिटी भी बहुत ही कम होने लगी, अब इन डॉग्स की जगह प्यारे प्यारे छोटे छोटे डॉग्स लेने लगे, जिसकी वजह से ये इन डॉग्स को बहुत ही अग्रेसिव डॉग्स भी माना जाने लगा और इन डॉग्स का इस्तेमाल कम होने लगा, क्योंकि पहले से ही इन डॉग्स की रेपुटेशन बहुत ही ख़राब थी, इसकी वजह से इन डॉग्स को लोगों ने पालना कम कर दिया। लेकिन इसके चलते गैंगस्टरों को ये डॉग्स बहुत ही अच्छे लगे, उन लोगों को कुछ खतरनाक, कुछ डेंजरस, कुछ प्रोटेक्टिव डॉग्स चाहिए थे जो कि एकदम एग्रेसिव रहे, तो ये डॉग्स उनके लिए बहुत ही अच्छे रहे। वो लोग इन डॉग्स का इस्तेमाल अंडरग्राउंड डॉग फाइटिंग के लिए करते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत से पैसे मिलते हैं, और इन डॉग्स का वज़न होता है 16 से 30 किलो के बीच में, और ये डॉग्स 9 कलरों में पाए जाते हैं, ब्लैक, ब्रिंडर, वाइट, फॉन, टैन, ब्लू, ग्रे, ब्राउन और रेड। तो ये थे हमारे वर्ल्ड के कुछ टॉप 5 डेंजरस डॉग। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।